वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। तो फिलहाल मैं आया हुआ हूँ दिल्ली में। आज मैं हांसी से चला था 12 बजे यहाँ पहुँच गया। अब हम यहाँ से प्लान बना था हमारा कि शिमला जाने का। मेरा शिमला फर्स्ट टाइम है। तो अभी हमारी 10:30 बजे बस है जो कश्मीरी गेट से हमें मिलेगी। तो 8:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो तब तक के लिए अभी हम कर रहे हैं सामान अपना पैक। भाई है मेरे साथ, मैंने अपना कर लिया सारा सामान पैक। अब भाई कर रहा है आपका। तब तक के लिए मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हे गाइस, तो फाइनली हमने बैग पैकिंग कर ली है। आप देख सकते हैं ये दो मेरे हैं, वो एक भाई का और एक मेरा। तो चार बैग हो गए हमारे और 8:30 होने में अभी 10 मिनट पड़े हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, नीचे जाते हैं, उसके बाद ऑटो पकड़ के मेट्रो। एक्साइटेड? चलिए चलते हैं। एक्साइटेड ब्रो, चलते हैं लॉक करके अपने रूम को। तो है ना हंसी तो भाई, मतलब जोश अपने आप आ जाए, जोश। हे गाइस, तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं, बस की इंतज़ार में है। 10:30 बजे बस आएगी। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे और काफ़ी सारी बसें जा रही है। वैसे तो एक ये रही जैसे पीछे खड़ी है, एक वो रही, इसके पीछे भी 2-3 है। तो अभी हमारी बस आई नहीं है, 10:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से शिमला के लिए। हे गाइस, तो फाइनली बस आ चुकी है और अभी हम अपने बैग रख रहे हैं इसमें। ये दो बैग हैं, बैग रख दिए। पानी मिला है अभी। हे गाइस, तो अभी हम रुके हैं ढाबे के ऊपर। 1:30 बज चुका है। बस आप देख सकते हैं वो खड़ी हमारे पीछे, और पीछे ढाबा, लाइट की वजह से सही नहीं दिख रहा। अभी हम पी रहे चाय, नींद आ गई थी, नींद में उठा दिया 1:30 बजे ढाबे पे रोक के। तो अभी चाय पी रहे हैं, उसके बाद 20 मिनट के बाद यहाँ से निकलते हैं। अब जब हमारी आँख खुलेगी तो सीधा शिमला में जाके खुलेगी। ये देख सकते हो आप हमारी बस, और भाई खड़ा सामने। कहाँ गया? हाँ, अंदर गया। हे गाइस, तो फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं। हम 6 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे अपने फ्लैट जोरगो में, ये होटल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बेड था, और ये सारा कमरा LCD है, वहाँ हमारे बैग रखे हुए हैं, और बाहर का व्यू आप देखिए। चलो बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रोशनी ज़्यादा आ रही है इस साइड से। तो अभी 11 बज चुके हैं कम्प्लीट। ये टेबल, चेयर, और इसके बाद ये बाहर का व्यू आप देखिए, सारे पहाड़। पूरी रात हम इन्हीं पहाड़ों के बीचों से आ रहे थे। वो जैसे आप देख सकते हो वो सामने, वहाँ से वो बसें जा रही है, बस कार। हम भी वहीं से आए हैं, ये सारे रोड क्रॉस करते हुए बहुत दूर तक है। थोड़ा और ऊपर चल के अब फिर दिखाते हैं आपको अच्छे से। अभी नहा लेते हैं एक बार। हे गाइस, तो फाइनली नहा धो के तैयार हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मैं और मेरा भाई साथ में है हमारे। हेलो, तो अभी चलते हैं हम यहाँ से। चले ठीक है, निकलते हैं रूम से बाहर, और मैं बाहर से दिखाता हूँ कहाँ रुके हैं। ये हमने खोल दिया, ये टोटल 5 रूम है लैंडार। फिलहाल तो हम ही रह रहे हैं यहाँ पे, और ये आगे हम ऊपर, ये पीछे आप देख सकते हो पहाड़ों के बिल्कुल। ये स्कूल है, शायद कोचिंग सेंटर है, पता नहीं स्कूल है, ऐसा ही कुछ है। इस यहाँ से यहाँ पे आके हमारी बस रुकी थी, यहाँ से इस होटल में हम रुके थे, और ये पास में स्कूल या पता नहीं कोचिंग सेंटर है जो आप देख सकते हो, और उसके सामने पहाड़, और यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट। तो बाहर आ चुका हूँ, भाई भी आ गया है आप देख सकते हो, और ये मेरे सामने है शिमला।
जो कि 13 किलोमीटर आगे है। अभी हम यहाँ रात को रुके थे, अब जा रहे हैं हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, दाल मखनी और रोटी। तो ये पास में छोटा सा होटल है, आप देख सकते हो डब्बा। तो अभी खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर सके वहाँ से। अब ये आए हैं, ये देख सकते हो गलियाँ कैसी है और कहाँ कहाँ घर बने हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन देखने के लिए, यहाँ से ये रास्ता है। अभी हम यहाँ से आए हैं, थक चुका हूँ मैं तो काफ़ी, पैड़ियाँ चढ़ के टॉय ट्रेन देखने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ के डॉग। अभी जा रही है और ऊपर, देख सकते हो अभी तो काफ़ी ऊपर है, और भी यहाँ से देखिए आप वो सारा, ये सारा शिमला। फर्स्ट टाइम है मेरा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, होने वाला भी। यार घर देख सकते हो, सारे पहाड़ों के ऊपर बनाए हुए हैं, और यहाँ के रास्ते कुछ इस तरह के होते हैं। देखिए चल रही है, शायद आ ही गया स्टेशन वो खड़ी ट्रेन, यही है टॉय ट्रेन। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं टॉय ट्रेन के स्टेशन पे। टॉय ट्रेन यहाँ से अब जाएगी, टाइमिंग हमें पता नहीं है, हम बस ऐसे देखने के लिए आए हैं। हम शोगी में है, जो शिमला की जो माल रोड मेन है, जहाँ शिमला घूमने की है, माल रोड है, वहाँ से कम 13 किलोमीटर पीछे ही अभी। ठीक है, अभी हम यहाँ रुके हुए हैं होटल में, अब जाएंगे यहाँ से फिर नेक्स्ट में। एक बार देख रहे हैं ये टॉय ट्रेन, यहाँ पे देखते हैं घर। देखिए आप ऊपर पहाड़ों के ऊपर कैसे कार और वो उतारते कैसे होंगे इनको। हे गाइस, तो अभी हम चलते जा रहे हैं इस पटड़ी के ऊपर, जो सोगी का रेलवे स्टेशन था उससे थोड़ी हम आगे आगे शिमला की तरफ। तो अभी यहाँ पे एक पुल है, तो उसके नीचे से जाएंगे। इनके जो ट्रेन जाती है ना, उसके साथ में आप देखें व्यू, और ऊपर काफ़ी सारे पेड़ है। अभी तो ये थोड़े आगे से दिखाता हूँ मैं इसको, देखिए जैसे जैसे चलते जाएंगे। और यहाँ के रास्ते देखिए आप, ऊपर आने के नीचे जाने के, ये छोटे छोटे है, और यहाँ ऊपर तक पेड़ ही पेड़, पूरा ग्रीनरी देख सकते हो आप। इसके बीच में से वो ट्रेन जाती है, कितना अलग ही लेवल होता है, मस्त है ना। अब चलते हैं आगे, हम वो पुल देखते हैं। हे गाइस, तो फाइनली अभी आ चुके हैं अपने रूम पे दोबारा, ब्रेकफास्ट करके और टॉय ट्रेन देख के आ चुके अपने रूम पे। अब आगे का क्या प्लान है वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी के लिए तो सामान पैक करते, दोबारा थोड़ा बहुत खिंडा दिया था, पैक करके निकलते हैं यहाँ से, कहाँ जाएंगे वो आपको बताता रहूँगा। हे गाइस, तो फाइनल निकल चुके हैं अपने रूम से बाहर, आप देख सकते हो मैं और सामने मेरा भाई, और जो इस साइड में रोड है ना, रोड है ये जाता है शिमला, जो 13 किलोमीटर आगे है यहाँ से। अभी हम जा रहे दूसरे रोड पे, तो इस वजह से हम रात को वहीं रुक गए थे कि वो बस्ती शिमला। तो यहाँ जा रहे अभी हम दूसरे होटल में, वहीं रुकेगी और वहाँ पे वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं, अभी हमें कोई लेने आएगा यहाँ से, देखते कितनी देर में आता वो। तो फाइनली हम पहुंच चुके अपने होटल में, आप देख सकते हो पीछे द अल्पाइन, और वो मेरे पीछे आप देख सकते हो तारा देवी टेम्पल है, वहाँ भी जाएंगे। अभी एक बार अपना सामान रखते हैं, खुद हल्के होते थोड़े, उसके बाद चलते हैं। हे गाइस, तो मैं आया हुआ हूँ अब द होटल अल्पाइन में। तो
वहाँ से हम शोगी से आगे थे, भाई का दोस्त आ गया था, होटल का मैनेजर है जो, तो हमें पिक करने के लिए। तो अभी हम इसमें रुके हैं, ये होटल आप मेरे पीछे देख सकते हो, और इसके आसपास का व्यू है, मतलब ये लगा लो टॉप पे हैं अभी हम, और इसके आसपास जो भी व्यू है, अगर मैं उस साइड की बात करूँ तो वो है मनाली। मनाली में एक सबसे बड़ा मंदिर है बजरंगबली जी का, 183 फीट ऐसा कुछ है, ठीक है, वो मेरे बिल्कुल सामने है। एक अपनी जाती टोयोटा ट्रेन वो वहाँ पे है, और उसी के पास में होटल के जैसे साथ लगता हुआ एक अपन ताराजी टेम्पल, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, होटल के व्यू भी आपको दिखाऊंगा, होटल अंदर से कैसा है, होटल के कमरों से दिखाऊंगा, मतलब होटल के रूम से भी आपको दिखाऊंगा वहाँ के व्यू, और बैक कैमरे से थोड़ा मैं अच्छा डिटेलिंग दूंगा इसके बारे में कहाँ पे हूँ मैं फ़िलहाल। तो ठीक है, अभी के लिए इतना, और वहाँ जाएंगे शिमला जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे मंदिर भी, और यहाँ तारा देवी मंदिर भी, ये भी एक्सप्लोर करेंगे, और मंदिर के साथ में चर्च है, माल रोड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम इस होटल में रुके, आज का प्लान हमारा ये है कि आज हम यहीं रहेंगे, ठीक है, वैसे एक दो दिन यहीं पे हैं, तो अभी हम आसपास के लोकेशन आपको भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी होटल से बाहर आए मैं और मेरा भाई वो खड़ा पीछे, तो अभी हम आसपास की जो छोटी मोटी लोकेशन है वो एक बार एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको बताता रहूँगा मैं। हे गाइस, तो आप देख सकते हो हम अपने होटल से थोड़ा काफ़ी दूर आ गए हैं, और यहाँ देखिए मेरे सामने वो रहा तारा देवी टेम्पल, तो कल सुबह वहीं चलेंगे सुबह सुबह, और यहाँ के व्यू देख सकते हो आप, और रोड और साइड का और ज़बरदस्त है, खुद का बाइक और चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से आप नीचे तक देख सकते हो, पेड़ ही पेड़ और घर ही घर पाएंगे, और ये सारे होटल दूर तक जहाँ तक आप देखोगे। तो अभी चल रहे हैं ऊपर, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम वहाँ से, तो दोबारा जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और उसके बाद शायद हो सकता है कि पास में साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पे अब हम जाएं। तो आज वैसे भी मुख्यमंत्री आए थे वहाँ, साइंस म्यूज़ियम का शायद उद्घाटन था, तो वहीं पे हम भी जाके आएंगे, हमारे रूम के पास में है, तो चलिए चलते हैं। तो तारा देवी मंदिर का रास्ता यहाँ से है, बिल्कुल टॉप पे जाके 2.5 किलोमीटर रास्ता है, 2.5 से 3, यहाँ सुबह जाएंगे हम, 5 बजे निकलेंगे, 5 या 6 बजे। तो अभी हम यहाँ रुके मैगी खाने के लिए, बिल्कुल इसके सामने मैगी खा के निकलते रूम की साइड। भाई आ चुके हैं, हमारी बिल्कुल पास में ही है तारा देवी मंदिर के पास में दुकान है, और ये आप देख सकते हो मैगी बना ली, अब खा के निकलते हैं यहाँ से। वो रहा हमारा होटल एल्पाइन, तो अभी चल रहे हैं वहीं पे, और ऊपर से आप देख सकते हो व्यू कितने नीचे है, बहुत गहरा है, और देख सकते हो दूर तक पहाड़। फिलहाल तो धुंध सी होनी स्टार्ट हो चुकी है, अभी सूरज चमक रहा अच्छे तरीके से, बट हल्की हल्की ठंड भी है। तो अभी चलता हूँ मैं, एक बार जूते पहनाता हूँ, उसके बाद जाएंगे बिल्कुल सीधा। तो अभी हम मैगी खा के बस आए हैं, और पीछे भी आप देख सकते हो एक दो दुकान, और उसके बैक साइड में भी काफ़ी सारी दुकानें, 3-4 है शायद, तो ऑलमोस्ट सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने होटल, भाई अपने फ्रेंड से बात कर रहा है पीछे, तो मैं एक बार शूज़ पहनता हूँ, और उसके बाद साइंस म्यूज़ियम आगे जाके तो वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बस गई है देख सकते हो, तो ठंड होनी वैसे स्टार्ट हो चुकी है, मुझे हल्की हल्की जो हवा है वो ठंडी आ रही है लग रही है। वो रहा हमारा होटल, अभी उसमें जाता हूँ और वहाँ से आपको दिखाता हूँ, जो 3 से 4 लोकेशन है ना वो सारी इस होटल से दिखती है, कि टॉप के ऊपर है होटल, बढ़िया लोकेशन के ऊपर है, यहाँ के व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो चलिए चलते इसके अंदर। तो
द एल्पाइन होटल, और इसके सामने का व्यू कितना सुंदर है। अब इसके अंदर चलते हैं, बाहर से कुछ ऐसा है, अंदर चलते हैं। रूम हमारा देख सकते हो, मैं आपको इसका टूर दे देता हूँ। यहाँ पे मिरर, ठीक है, यहाँ पे अपने सामान रख सकते हो अलमारी में, फ़िलहाल तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे वॉशरूम, ठीक है, देखो छोटा सा, ये हमारा बेड, और ये ऊपर का इसकी छत और बाहर का व्यू देखिए। ये स्टडी टेबल होगी, एक फ़ैन में एलसीडी है, ठीक है, ये स्टडी टेबल है हमारी, रात को पढ़ेंगे। और इसके बाहर का व्यू आप देखिए, ये मैं अभी खोल नहीं रहा, बाद में खोलूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से वो बिल्कुल सामने हमारे है तारा देवी टेम्पल, और नीचे का व्यू देखिए सामने, अभी सामने बिल्कुल सूरज लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं शूज़ पहन के निकलता हूँ यहाँ से, ये रहे मेरे शूज़। हे गाइस, तो अपने होटल से थोड़ी दूर चलते ही साइंस म्यूज़ियम पहुँच गए। बस अब चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या कुछ सीन है। तो अभी चल रहे हैं साइंस म्यूज़ियम के सामने, ये रहा साइंस म्यूज़ियम ऊपर वो सारा। आज इसका उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जी आए थे, तो अब शायद हम ऊपर नहीं जा रहे। सामने आप साइंस म्यूज़ियम, ये रास्ते उसके बैक साइड के, वहाँ से जाके घूम के ऊपर जाने का रास्ता, बट ऊपर एंट्री है नहीं, तो इस वजह से नहीं जा रहे। और साइड में आप देख सकते हो व्यू, साइड में देखिए क्या बढ़िया व्यू है। गाइस, तो म्यूज़ियम से काफ़ी नीचे आ गए हम इस साइड, अपने होटल से काफ़ी दूर, और यहाँ की शांति आप फील करिए। सारी यहाँ चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, और ये आप देखिए व्यू देखिए, कमाल का है ना। और यहाँ से आप देखिए टॉप पे आ गया मैं, और ऊपर से नीचे नज़ारे, ओए हो शिमला के देखिए। और ये ऊपर काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, रोड से देखे तो खड़े होकर ऊपर तक है, चोटी तक ये सारे पेड़, काफ़ी प्यारा लग रहा है मेरे को तो। और सनसेट भी होने वाला है कुछ टाइम बाद, फिर सनसेट के व्यू भी आपको दिखाएंगे। मेरे को तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी लगी, चलिए चलते हैं यहाँ से अभी उस पॉइंट पे, वहाँ कुछ रील्स शूट करते हैं, और उसके बाद देखते क्या करेंगे, जो करेंगे आपको बताएंगे। यहाँ से आप व्यू देखिए कि गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और होटल के बाहर गार्डन है छोटा सा, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, वो रहे दूर दूर तक, ये अभी मैंने आपको दिखाई यहाँ से आए। देखिए जहाँ तक देखोगे आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे, सनसेट भी होने वाला है। वो हमारे पीछे साइंस म्यूज़ियम। हे गाइस, तो फाइनली अपने रूम के ऊपर पहुँच गए थे, काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन घूम के आए, एक्सप्लोर की, काफ़ी वीडियो बनाए, रील्स बनाई, फ़ोटोशूट किए, तो रूम पे आ गए थे। और यहाँ से अब व्यू देखिए, फ़िलहाल अंधेरा हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। यहाँ का सीन ये है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी होनी शुरू हो गई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में, जो जाएंगे हम तारा देवी टेम्पल पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।